आज सुबह थाना टीपी नगर में केएमसी हॉस्पिटल से एक मेमो प्राप्त हुआ। उस मेमो में डॉक्टरों ने बताया कि एक लड़की है जो बीमार थी और उसके परिजनों ने शाम को उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। इस सूचना पर टीपी नगर के थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की गई। वहां कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, फिर उसके घर पे जाकर संपर्क किया गया। वहां ये पूछताछ में इनके परिजनों ने फिर ये बताया कि हमारी लड़की एक लड़के के साथ ताइक्वांडो की कोचिंग करती है। कल शाम 7 बजे शुक्रवार को घर से निकली थी और वहाँ पर कोचिंग की क्लास बंद थी, फिर अपनी स्कूटी खड़ी करके उस लड़के की गाड़ी में बैठकर उसके साथ गई थी। 7 बजे लड़की घर वापस आई। उसके बाद 9:30 बजे लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है। परिजन उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ एडमिट कराए। पुलिस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। जब मेमो हॉस्पिटल से मिला तो तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए परिजनों से संपर्क किया और ये बात सामने आई। लड़की ने बताया कि वो लड़का गाड़ी में मुझे लेकर गया और उसने मेरे साथ जो है गलत हरकत की। इस पूरे मामले में घर जाकर तहरीर थाना पुलिस ने ली, तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो आरोपी लड़का जिसकी उम्र 19 या 20 साल है उसको भी गिरफ्तार किया गया। लड़की की उम्र 17 या 18 साल है, दोनों की जांच पड़ताल की जा रही है। लड़के को फिलहाल प्रथम सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस गाड़ी की बात की जा रही है उस गाड़ी को बरामद किया गया है। एक गाड़ी में झंडा लगने की बात आ रही है, उसकी भी जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि वो जो लड़का है उसका किसी भी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है, गलत तरीके से गाड़ी पे झंडा लगाए हुए था, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मारो 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 मारो, तुम अपने हिसाब से मारो।